उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ऐसे में इसी कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पिछले दिनों रेवतीपुर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़ा का हिस्सा बने थे, तो जिलाधिकारी सहित तमाम जनपद स्तरीय अधिकारियों ने भी मंत्री के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़ा मनवाया था। ऐसे में बात करें गाजीपुर के रेलवे स्टेशन से सटे ग्राम सभा फतेहपुर सिकंदर कालीनगर कॉलोनी, जहाँ की नालियाँ काफ़ी दिनों से जाम होने के कारण नाली के पानी सड़क पर बह रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रधान से लेकर प्रशासन तक इसकी सफाई के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात हैं। बता दें कि इस कॉलोनी में करीब 200 से 250 के आसपास मकान है और सभी मकानों का पानी इन्हीं नालियों से होकर आता जाता है, लेकिन नियमित नालियों की सफाई नहीं करने से सभी नालियाँ बजबजा रही है। सड़कों पर गंदे पानी का जल जमा होने से आने जाने में दिक्कतें पैदा हो रही है। इतना ही नहीं, संक्रामक बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा बना हुआ है। किसी को लेकर आज स्थानीय लोगों और छात्र नेताओं ने इस नाली के पानी में धान की रोपाई कर शासन और प्रशासन को उनके कर्तव्य की याद दिलाया, क्योंकि सिर्फ स्वच्छता पखवाड़ा चला देने से और हाथों में ग्लव्स पहनकर झाड़ू लगा देने से स्वच्छता की बाहर नहीं आएगी, बल्कि नियमित स्वच्छता का कार्यक्रम करने से ही स्वच्छता आएगा। फतेहपुर सिकंदर ग्राम सभा है, ये ब्लॉक सदर के अंतर्गत आता है, कालीनगर कॉलोनी है। आज मोहल्लेवासियों ने यहाँ पे धान रोप करके अपना विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि ये नाली जाम की समस्या है। कालीनगर का ये रोड है, रोजा होते हुए जाता है, लेकिन इधर नाली का पानी का निकास नहीं है। इसका अस्थायी भी समाधान नहीं हो पा रहा है, इसका अस्थायी भी समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ग्राम प्रधान से लगाए, एडीओ पंचायत से लगाए, बीडीओ से लगाए, एसडीएम सर से लगाए, डीएम साहब सभी को हम लोगों ने पत्र दिया है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। केवल खानापूर्ति के नाम पे एक अधिकारी आए थे, बीडीओ साहब ने मौके पे निरीक्षण किया, कहा इसका तत्काल समाधान करा दिया जाएगा, इसका अस्थायी समाधान जैसे ही बारिश बंद होगा तब कर दिया जाएगा। लेकिन बारिश बंद हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। लगातार हम लोग फोन पे वार्ता करते हैं तो कहते हैं कि समय नहीं है, आए नहीं है, कल आएंगे, परसों आएंगे, इसी तरह लगातार 10 दिन से लगातार फोन किया जा रहा है। केवल समय पे समय टाइम पे टाइम वो कर रहे हैं। बताइए, डेंगू इस समय तमाम समस्याएं फैल रही हैं, रोग है, अस्वस्थ अभियान की यहाँ पे धजियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पे सफाई कर्मी केवल नाम मात्र के हैं, केवल पैसा से अपनी खाना पूर्ति करते हैं, ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे सफाई के नाम पे जीरो है। तकरीबन चार महीने से इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि ना इसमें बच्चे स्कूल हमारे जा पा रहे हैं, ना यहाँ की महिलाएं, जो बगल में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर, काली जी का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ लोग इस पानी की वजह से ना पूजा पाठ करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग जब से यहाँ का प्रधान जीते हैं तब से एक बार भी नाली की सफाई नहीं हुई। नाली की सफाई होती भी है तो हम लोग ग्रामवासी, कालीनगर कॉलोनी के वासी जितने लोग हैं, वहाँ हम लोग अपना अपना चंदा दे करके नाली की सफाई कराते हैं। हम शासन से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस पानी का अस्थायी निवारण किया जा सके, ताकि यहाँ बहुत बड़ा संक्रमण की बीमारी होने से लोगों को बचाया जा सके।